दोस्तों, तो हम लोग आज आ चुके हैं फिर से एक नए टॉपिक पे, एक नए विषय पे, आपके लिए एक बहुत अच्छा सा टॉपिक लेके कि हल्दी की खेती कैसे की जाती है। तो फिर से आप लोगों का मैं स्वागत करता हूँ हमारे ऑन चैनल डॉक्टर एग्री बिजनेस में। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग पास, जिनसे हमने पहले भी एक वीडियो बनाया था, जिन्होंने हमें काफ़ी अच्छे से बताया था कि चाय पत्ती की खेती कैसे की जाती है, उसके बारे में हमें बताया था। अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो हमारे ओल्ड वीडियोस में जाके देख सकते हैं। तो राजेंद्र कुमार, तो सबसे पहले तो राजेंद्र जी, मैं आपका स्वागत करता हूँ जी। थैंक यू। तो राजेंद्र जी, हम आपसे जानना चाहते हैं कि ये जो हल्दी की जो खेती होती है, वो कैसे की जाती है और उसके लिए क्या क्या चीज़ किया जाए, क्या क्या चीज़ नहीं किया जाए। सबसे पहले तो हल्दी की खेती इस टाइम पर आपका होगा नहीं जी, ये ठंडी के टाइम में होगा नहीं। ये ठंडी हल्दी की खेती लगभग आपको मार्च से अप्रैल के बीच में जो करना होगा जाके जी, गर्मी का टाइम में। हाँ, तो वो चीज़ जी, वो चीज़ बहुत अच्छी बात बताया आपने कि हल्दी की खेती इस महीने, मतलब इस, हाँ, अभी इस सीजन में नहीं होती है, पर हल्दी की खेती इस मौसम में नहीं होती है। तो वही चीज़ में हम जानना चाहते हैं कि हल्दी की खेती किस महीने में की करने से ज़्यादा प्रॉफिट रहता है, किस तरीके से करने से, ताकि हमारे जो स्टूडेंट है हल्दी के जब सीज़न आए तो वो लोग उस पर करके देख पाए, या हमारे जितने भी किसान भाई हैं वो लोग उस हल्दी की खेती पे वो लोग कर पाए। तो थोड़ा आप हमको बताइए कि हल्दी की खेती मतलब शुरुआत से किस तरीके से करनी चाहिए जिससे हमको ज़्यादा प्रॉफिट हो। हल्दी की खेती के लिए तो आपको कम से कम पहले एक दो महीने पहले ज़मीन को इस तरह रेडी रखना होगा, जैसे अभी ये ज़मीन है जी, इसको खाद वाद छींट के हल वाद जोत के आप मार्च से अप्रैल के बीच में लगा सकते हैं, यानी कि मार्च से अप्रैल के बीच, यानी कि एक महीना की दूरी में जो दिन बचता है आपका दोनों महीना का मिला जुला के, वो एक महीना के अंदर आपको लगा देना है। और हल्दी की खेती लगभग 20 से 22 सेंटीमीटर की दूरी में लगता है एक एक प्लांट, हाँ एक एक प्लांट, और जो उसका बेड बनता है वो तीन बेड में से एक बेड बनता है। तो नॉर्मली आप देख पाइएगा कि हल्दी की खेती के लिए हम लोगों को उसके लिए कोई गोरू का हाल जो देसी किसान लोग जोतते हैं वैसा ही कुछ हाल चाहिए, और उसमें तीन चारी बनेगा, तीन में एक ठो होगा, और उसकी लंबाई दूरी जो है वो 20 सेंटीमीटर में रहेगा, 20 सेंटीमीटर, हाँ। और लगभग उसमें मिट्टी हम लोगों को कम से कम डालना होगा, कम से कम 40 सेंटीमीटर ऊंचा मिट्टी डालना होगा, 40 सेंटीमीटर, हाँ, ताकि वो कम से कम वो मिट्टी मेरा एक महीना उसमें रहना चाहिए, एक महीना, और हाँ एक महीना तक। मार्च महीना में हम लोग लगाएँ तो मार्च, अच्छा सुनिए, जैसे मान के चलिए कि मैंने अब हल्दी की खेती की या किसी भी किसान भाई ने हल्दी की खेती की, तो अब मान के चलिए उसने मार्च से पहले लगा दिया, मार्च से अगर उसने पहले लगा दिया हल्दी के, तो उसका क्या मतलब प्लांट उगेगा या मतलब नहीं? वो प्लांट तो उग सकता है, लेकिन जब बरसे का टाइम आएगा फिर वो उसको मरने में थोड़ा सा डर रहता है, कहें कि हाँ अब हम लोग अगर सोचते हैं कि हम थोड़ा जल्दी लगाएं, थोड़ा जल्दी उपजाऊ करके थोड़ा जल्दी निकालें, तो हमको भी उसमें डर भी रहता है कि जब अगस्त सितंबर का महीना आता है तब हल्दी थोड़ा सा मरने का टाइम डर रहता है कि कहीं अगर वर्षा लग गया, वाटर लग गया, तो फिर वो हल्दी उस टाइम मर सकता है। तो इसलिए अगर हम लोग थोड़ा गर्मी और ठंडी के बीच में लगाएंगे, मार्च से अप्रैल के बीच में, तो सितंबर अगस्त में जो वर्षा होगा वो उसके लिए लाभदायक होगा, अच्छा, उतना घाटा नहीं होगा। तो राजेंद्र जी, हम ये चीज़ पूछना चाहते हैं कि जैसे होता है बीज होता है, उसका क्या बीज होता है, पौधा नहीं होता वो है, बीज नहीं होता है, वो किस टाइप का उसका, वो हल्दी होता है? वो हल्दी ही होता है, जैसे कि हल्दी उसका बीजन वो अपना ही खुद नर्सरी खुद ही रहता है, नर्सरी खुद ही, हाँ वो खुद ही रहता है कि जो हल्दी आप लोग लगाएं उसको फिर आप दूसरी बार लगा सकते हैं, दूसरी बार क्या कई बार भी लगा सकते हैं, उसके लिए आपको कोई सीड या कोई बीज ऐसी कोई चीज़ नहीं मिलता है। 10 किलो हल्दी आपको कम से कम 4 कट्ठा ज़मीन में मैच्योर हो जाएगा, मतलब 4 कट्ठा में हो जाएगा 10 किलो हल्दी, 10 किलो हल्दी। अच्छा, तो ये जो आप मान के चलिए हल्दी लगा लिया, अब हल्दी का पूरा सीज़न भी ये हो गया, तो हल्दी का रेट किस हिसाब से चलता है, या मतलब हल्दी का रेट? कुछ हल्दी जो है वो ऐसे ही बिक जाता है खेत में, कुछ जो है उसको आदमी किसान क्या करते हैं कि घर खोद के लेके गए, उसमें गर्म पानी से उसको सुखाए, और सुखाने के बाद जिसे सूट बोला जाता है, अगर सूट अगर हम लोग कर पाते हैं तो हमको उसमें ज़्यादा लाभ है, ज़्यादा प्रॉफिट हो, ज़्यादा पैसा मिलेगा, यानी कि एक कुंडल सूट कम से कम 12,000 रुपया किलो मिलेगा प्रति किलो, एक कुंडल 12,000। तो अब जैसे कुछ, जैसा कि आपने बताया कि कुछ लोग मतलब अपने घर पे ही गर्म, हाँ, पानी से ये करके, हाँ, बेचते हैं जो भी कर लेते, हाँ, हैं, कर लेते हैं, और कुछ कुछ होता है किसान की जो
जैसे ही अगर दाम हो गया है 1500 या 2000 रुपया कुंटल, तो फिर उसको उतना झोल झमेला करने का कोई जरूरी नहीं है, अपने ही खेत से डायरेक्ट निकाल के बेच सकता है। मतलब डायरेक्ट हाँ, वो उसको हल्दी करने का कोई हाँ उसको हल्दी करने का कोई जरूरी नहीं है। और तरह का फार्मर है जो आपने आके आपको खरीद के लेके जाएगा। तो अगर जैसे मान के चले खेत से आप नहीं बेचे जी, हल्दी आपने खेत से नहीं बेचा, तो हल्दी को आप कौन कौन से मार्केट में लेके जाते हैं? जैसे हम लोग अगर हल्दी अपने से नहीं बेचे तो जैसे यहाँ किशनगंज हो गया, इस बंगाल हो गया। अच्छा देखिए, किशनगंज जो है तो वो हम लोगों का बिहार में पड़ता है। हाँ, अब ये जो है आप हम लोग यहाँ बंगाल, हाँ बंगाल हो गया, इस्लामपुर हो गया, इस्लामपुर ये सब जो है बंगाल साइड पड़ गया। तो ये जो आप थोड़ा ये चीज़ बता सकते हैं कि बिहार में ज़्यादा रेट मिलता है या बंगाल में ज़्यादा रेट मिलता है? जी बिहार में तो उतना इसका रेट नहीं है, बंगाल में ज़्यादा रेट मिलता है कि बंगाल वहाँ पे सप्लाई ज़्यादा है हल्दी का। हाँ सप्लाई ज़्यादा है, और हम लोगों का बिहार में हल्दी का खेती शायद थोड़ा कम ही होता है, काहे कि एक बहुत प्रोसेस वाला खेती है, कम से कम एक साल का खेती है। जैसे कि हम लोग अगर इस बार मार्च महीना को लगाएं तो अगले बार मार्च महीना को ही इसको निकाल पाएंगे, उससे पहले निकालने का कोई सीजन नहीं है। मतलब समझे नहीं क्या बोले आप, इस मार्च को अगर लगाएं जैसे मान के चलिए हाँ 2021 चल रहा है ना, मार्च को हम लगाते हैं तो 2023 का मार्च को जाके हम उसको निकाल सकते हैं। अगर नहीं बेचा तो? नहीं बेचा तो, अगर उससे मतलब पहले अगर हम निकालते पूरा, हैं पूरा एक साल, एक साल, साल हाँ एक साल, एक साल आपको उसका खेती है। क्यों फिर ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि वो पूरा ग्रोथ के साथ उठता है, अगर एक हल्दी में उपजाऊ हो गया तो कम से कम 2.5 से 3 किलो निकलता है एक हल्दी का पेड़ में, एक हल्दी का पेड़ 2.5 से 3 किलो, 2.5 से 3 किलो का निकलता है। जैसा कि मान के चलिए आपने बताया कि ऐसा जमीन रेडी करते हैं खेती के लिए, इस तरह का जमीन तैयार करते हैं, उसके बाद खेती होता है। तो आपने जिस तरह का बताया कि जमीन उमीन सब कुछ रेडी होता है, तो उसमें सार या यूरिया वगैरह वो सब का कुछ प्रॉब्लम? हाँ वैसे बड़ी कम पर चलना पड़ता है, आप देख ही पा रहे हैं हम लोग लगाने के लिए वहाँ रखे हैं कुछ हल्दी लगाने के लिए वो, हाँ और इस ज़मीन को ऐसे ही छोड़ दिए हैं, कम से कम 2 महीना इसको ऐसे ही छोड़ देंगे जी। 2 महीना इसलिए इसको ऐसे छोड़ देते हैं कि जमीन हल्दी का जमीन एक्चुअली वो मांगता है एक टाइप का बंजर होना चाहिए, पूरा बंजर हाँ, कि जिसमें कोई खेती नहीं हो, अगर उसमें भी हम लोग लगाते हैं हल्दी तो ज़्यादा उपजाऊ होगा। और जैसे और ज़मीन में अगर खेती हो गया है तो उसको कम से कम 2 महीना ज़मीन को आपको छोड़ देना होगा। अच्छा तो एक और मेरा सवाल था राजेंद्र जी कि जैसे अब बहुत तरह के फसलों में कीड़े मकोड़े या किसी चीज़ का थोड़ा नहीं, हल्दी तो हल्दी में कुछ ऐसा ये कि मतलब हल्दी में ऐसा हल्दी कुछ में भी जैसे मतलब वर्षा वगैरह या इसका कुछ हाँ वर्षा का टाइम होता है कि मतलब वो चीज़ हो गया तो खेत आपका बर्बाद या आपकी फसल जो है वो बर्बाद होने का टेंशन होता है? हाँ रहता है, जैसे कि हल्दी अगर हम नीचे ज़मीन में लगाएंगे, अगर वर्षा का टाइम में अगर उसमें वाटर लग गया तो फिर हल्दी नहीं होगा, मर जाएगा, हल्दी मर जाएगा, मर जाएगा हाँ। अच्छा जैसा कि आप एक और मेरा सवाल था कि मान के चलिए आपने 10,000 रुपये इन्वेस्ट किया जी हल्दी लगाने में, 10,000 का आपने हल्दी लगाया, तो ये कितने एकड़ में लग जाएगा और मतलब इसका प्रॉफिट कितना तक आएगा? अभी का मेरे मार्केट में तो लगभग शायद हल्दी का दाम 2500 रुपया है, जो लगाने का टाइम में आएगा वो तो बता नहीं पाएंगे कि कितना है प्रति क्विंटल, बढ़ जाता है हाँ उस टाइम बढ़ जाता है। और 10,000 में लगभग 1 बीघा यानी कि 20 कट्टा ज़मीन में आराम से हल्दी लग सकता है। और वो बिकेगा कितने में? वो तो फिर उपजाऊ के बाद ही बोल पाएंगे कि कितना आप उपजेगा लेंगे, कम से कम 1 बीघा ज़मीन में कम से कम किसान को 30,000 का तो मुनाफा होना चाहिए, 1 बीघा में 30,000, एक साल में तो 30,000 का मुनाफा होना चाहिए, एक साल में 30,000। तो इसमें खाद वगैरह किस टाइप का खाद देने से ज़्यादा ये होता लगाने है? का टाइम जो खाद लगता है बस वही उतना ही देना पड़ता है, उसके बाद इसमें खाद वूद का उतना किसान को परेशानी नहीं है, नहीं वो सब वैसा कोई परेशानी नहीं है, स्प्रे वगैरह वो सब नहीं, एक बार लगा दिए 1 महीने बाद उसको मिट्टी या खुरपी से घास निकाल दिए मतलब फिर उसके बाद सफाई करते रहना हाँ साफ नहीं मुश्किल से ज़्यादा साल में दो बार हाँ। तो लगाए मार्च में और उठाते कौन फिर मार्च में, मतलब पूरा एक साल लगा रहता है हल्दी? हाँ एक साल लगा रहता है, इतना लंबा प्रोसेस होता है हाँ। उसका एक साल तक वो मतलब हल्दी लगा रहता है एक साल बाद उसको उठाते हैं। तो वैसे तो मान के चलिए अगर आप 20 एकड़ में लगाए तो 20 एकड़ पूरा ज़मीन आपका वो फिक्स हो गया हल्दी के लिए। से एक और सवाल था कि मान के चलिए आपने स्टार्टिंग मार्च में हल्दी लगाई, हल्दी आपने स्टार्टिंग मार्च में लगाई, तो हल्दी को मतलब उसका जो बिचन है या जो भी बोले उसका जो फल है वो कितना दिन के बाद आ जाता है?
लगभग एक महीने में निकल जाएगा वो, पूरे तरह पूरा खेत क्लियर हो जाएगा एक महीने में। धीरे धीरे से तो निकलने लगता है 15-17 दिन में जी। लेकिन एक साथ तो सब कोई निकल नहीं पा रहा है, धीरे धीरे से निकलता है, कोई आज आज निकला तो कोई परसों या कोई तरसों निकलता है, ऐसे ही धीरे धीरे करते करते कंट्रोल करते करते कम से कम एक महीना में आपको वो पूरा क्लियर आ जाएगा। कि आप एक महीना में अगर क्लियर जितना आ गया उतना ही आपके पास रहेगा, उसके बाद जो नहीं निकला शायद वो नहीं निकलेगा। और तो जैसा कि आप बता रहे थे कि मतलब हम लोग इसको गर्म पानी में, कुछ ऐसा प्रोसेस होता है कि घर पर ले जाके गर्म पानी में, वो तो गर्म पानी में डालने का वो तो उबल जाता होगा, मतलब उबलता है, बॉईल हो जाता होगा। तो बॉईल होने के बाद फिर उसका क्या मतलब? जैसे ही वो बॉईल हो गया उसको बॉईल करके 2 या 3 टुकड़े में काट के फिर उसको कुछ दिन के लिए सूखने देते हैं। जैसे ही सूख गया फिर वो सूट बन गया, यानी कि वो हल्दी खाने लायक हो गया। हो गया है ना। हाँ। तो इसमें क्या क्वालिटी होती है? हाँ, मतलब क्वालिटी प्रकार की क्वालिटी होती है। हाँ, होता है दो तरह का, दो तरह, एक तो मोटा एक तो पतला। तो मोटा और पतला में फिर क्या मोटा फर्क ये है कि अगर मोटा लगाते हैं तो बीच में वाइट, और पतला जो होता है वो बिल्कुल पीला, बिल्कुल पीला। हाँ, वो उसमें वाइट होने का कोई चांस नहीं रहता है। और मतलब जो मोटा होता है उसमें वाइट होने का पोजीशन, हाँ, उतना कलर उतना उसमें कलर नहीं है, नहीं आता है। उसमें वेट होगा आपको, अगर वेट के लिए अगर आप उसको डायरेक्टली बेचना चाहते हैं ज़मीन से निकाल के, तो आपके लिए मोटा वाला फायदा सही है, लेकिन हाँ वजन बढ़ेगा। अगर आप बोलेंगे कि हमको हल्दी बना के बेचना है तो उस किसान भाई को अपना जो मेन हल्दी है वो लगाना चाहिए, मतलब मोटा वाला नहीं, मेन वाला पतला वाला। अच्छा, तो स्टूडेंट जैसा कि राजेंद्र जी ने बताया हम लोगों को कि हल्दी कितने प्रकार की होती है और हल्दी की मतलब खेती है जो वो किस मौसम में करने से ज़्यादा अच्छा रहता है और कितना टाइम में इसका जो फल होता है वो आ जाता है और हल्दी किस तरीके से बेची जाती है, तो राजेंद्र जी मैं आपका जी? बहुत बहुत शुक्रिया करता हूँ कि आपने हम लोगों को टाइम दिया, अपना कीमती टाइम दिया, और हमारे स्टूडेंट और हमारे जितने भी भाई हैं उन लोगों को आपने बताया कि हल्दी की खेती कैसे की जाती है, जितने भी किसान भाई है। तो उम्मीद करता हूँगा कि आपको हल्दी की खेती के बारे में सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर कुछ भी आपका डाउट या आपका कुछ भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और देखते रहिए डॉक्टर एग्री बिजनेस, और को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें ताकि ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो आप तक पहुँचते रहे, और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको डॉक्टर एग्री बिजनेस से रिलेटेड जितने भी न्यू अपडेट्स हैं वो आप तक पहुँचते रहें। थैंक यू।